गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द रिविजन ऑफ चैप्टर 2 क्लास 7 मैथमेटिक्स. इन दिस चैप्टर देयर इज मेन की पॉइंट्स रिटन ऑन द बोर्ड. द फर्स्ट मेन पॉइंट्स इज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. बच्चे मेन इस चैप्टर में यही गिवन है कि आप फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करोगे, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, ना हाउ टू डिवाइड. नेक्स्ट हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा कि हाउ टू सॉल्व द स्टेटमेंट सम. I will take some statement sum, then you will easily solve with the help of given revision. Now first, देखो main जो problem आ रही है बच्चों को addition में, तो addition जो fractions की होती है बहुत ही easy होती है. अगर हम addition की बात करें तो addition होगी आपकी is the addition. In this addition में क्या है आपका fraction. लो first, you know that what are the fraction. अगर हम fraction लेते हैं 7/4 प्लस 1/3, ये दो फ्रैक्शन हैं, इनको ऐड कैसे करना है. देखो फर्स्ट स्टेप इज दैट फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दीज नंबर. हम 4 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. तो 4 और 3 का जो आप एलसीएम लोगे तो यू नो ये 2 से जा रहा है, तो 2 2 जा एंड 3 एज इट इज, अगेन 2 से जा रहा है 1, 3 एज इट इज क्योंकि 3 नहीं डिवाइड हो रहा, और 3 1. तो व्हाट इज द एलसीएम, इनका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 2 into 2 into 3, तो आपका 12 एलसीएम आ जाएगा. देखो हाउ टू ऐड फ्रैक्शन, फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम. हमने एलसीएम लिया एंड देखो नीचे वाले से डिवाइड करना होता है. ये 12 है, 12 आपका एलसीएम है, 12 को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे. अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और इसको न्यूमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा. अगेन 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 आएगा, और इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. तो ये आपका एलसीएम है एंड दिस इज़ योर आंसर. 7 3 जो आपका 21 एंड ये हो गया आपका 4 एंड डिवाइडेड बाय 12, तो सिंपल हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाय 12. तो सिंपल मेथड है हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन. देखो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है, दिस इज़ योर इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन होते हैं. ये जो है आपका कौन सा फ्रैक्शन है, दिस इज़ योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है. अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन की टाइप होती है, सबसे पहले होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. नेक्स्ट अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. उसके बाद आपका मिक्स फ्रैक्शन आएगा. अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात की जाए तो मिक्स फ्रैक्शन में होता है आपका एक होल नंबर एंड नेक्स्ट क्या होता है आपका फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. हाउ टू चेंज मिक्स फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देखो 7 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ, और उसमें ऐड कर देना है 3 डिवाइडेड बाय 7. तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7 + 3 = 10/7. तो ये चेंज करना है, ये आपका रिवीजन वर्क है कि हाउ टू चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देन आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ. देखो अब इसमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, दिस इज़ योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपका क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करके इजीली फाइंड कर सकते हो. देखो एक क्वेश्चन गिवन है एडिशन में, एक आइसोसेलस ट्रायंगल गिवन है आपको, और आइसोसेलस ट्रायंगल की साइड गिवन है आपको 1 1/3. आइसोसेलस ट्रायंगल ले रहे हैं तो दिस इज ए बी सी. आइसोसेलस ट्रायंगल में होता है कि दो साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती है. ए बी इक्वल होता है आपका ए सी की, तो ये 1 1/2 है, तो ये भी क्या होगा आपका 1 1/2 सेंटीमीटर. हाउ टू फाइंड पेरीमीटर, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि आपको इस आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना होगा पेरीमीटर. तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो मुझे इनका क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स. व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. तो मुझे सम, तो हाउ टू ऐड, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 1 1/2 + 1 1/2 + 1 1/3. ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते. देन चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका 2 + 1 = 3/2. अगर इसको चेंज करोगे 2 1 + 2 + 1 1/2 + 1 = 3 3/2.
एंड अगेन अगर आप इसको चेंज करोगे 3, 3 + 1 आपका 4/3। नाउ यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 2, 2 and 3। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। यू विल फाइंड इजिली एलसीएम 2, 2 and 3। अब नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 6, 3 आता है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। अगेन 6 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 9 आएगा। 6 को डिवाइड करोगे 3 से 2 आएगा और 2 को 4 से करोगे तो 8 आएगा। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं 6, 26/3 cm। तो ये तो हो गई आपकी एडिशन। एडिशन पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आपको एक रेक्टेंगल दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, या आपको उसको फाइंड करना होगा, पेरीमीटर फाइंड करना होगा। एक क्वेश्चन गिवन है आपका बुक में, इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपकी एक ट्रायंगल है और दूसरी क्या है, रेक्टेंगल। दिस इज योर ट्रायंगल, ये आपकी ट्रायंगल है और ये आपकी रेक्टेंगल है। आपको इसको सिर्फ पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन की टाइप हो गई, उनको कैसे ऐड करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, तो आप इजीली कर पाओगे एडिशन। अब आती है आपकी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देयर इज गिवन वन फ्रैक्शन, जैसे मैंने 1/2 दिया और नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया 1/3, आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। मेथड सेम है, सिर्फ आपका प्लस कीजिएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 and 2 का एलसीएम आप 6 लोगे। सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना होता है। अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 3 हो गया। डिनोमिनेटर से आप 6 को डिवाइड करोगे, 6 / 2 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। तो आंसर इज 1/6। अगर कोई भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है तो दैट इज डिपेंड ऑन द एलसीएम। ये हम देन नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, नाउ मल्टीप्लाई विद न्यूमिरेटर, अगेन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, देन मल्टीप्लाई विद न्यूमिरेटर। तो दिस इज योर सेकंड स्टेप, सब्ट्रैक्शन। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। बच्ची फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन वेरी ईजी होती है। देखो मैंने एक फ्रैक्शन राइट किया, दिस इज अवर फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन आपका सेम है। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज दिस फ्रैक्शन। ये आपका फ्रैक्शन है 1/2, मैं मल्टीप्लाई बताऊं, +1/2। आपने फ्रैक्शन राइट किया 1/2 + 1/2 + 1/2। अब अगर हम इनके एलसीएम लेके, वी विल फाइंड द आंसर। दिस इज लॉन्ग मेथड। द सिंपल मेथड इज दैट कि देखो ये 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 × 1/2। आप ऐसे ही तो करते हो, 2, 3 जा क्या होता है, 2 + 2 + 2, इसको आप क्या लिखोगे, 2, 3 जा। तो सेम हम फ्रैक्शन में राइट करते हैं कि तीनों अगर सेम है, 1/2 1/2 1/2, नाउ 3 × 1/2। तो आप देखो हाउ टू मल्टीप्लाई, इस कॉन्सेप्ट में अब आपको मल्टीप्लीकेशन की नीड पड़ेगी। और मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, फ्रैक्शंस की जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट इज द न्यूमिनेटर, 3, एंड व्हाट इज द न्यूमिनेटर, 1। नाउ दिस इज 3 and 2 = 2। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यू कैन ईजिली फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ लेती हूँ 5/7 और मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 3/5 से, तो आप इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं, आप इसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अब जो आपका बचेगा वो आएगा आपका 1/7 and 3/1। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3/7। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, वेरी ईजी टॉपिक इन दिस चैप्टर, हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिविजन। नाउ हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है आपको 2, 3/5। मैंने मिक्स फ्रैक्शन में राइट किया क्योंकि मोस्टली बच्चे इस मिक्स फ्रैक्शन में गलतियां करते हैं। हाउ टू चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस वन करोगे, 2 + 1 हो जाएगा आपका 3/2। और आप इसको चेंज करोगे 5 × 2 = 10, 10 + 3 हो जाएगा आपका 13 and 13/5। नाउ इन दिस केस देखो, अगर हम इस फ्रैक्शन को इससे डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट वी विल चेंज इनटू मल्टीप्लीकेशन, हमें इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करना होगा। और जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं तो वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, हमें इसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। हाउ टू फाइंड रेसिप्रोकल, पहले रेसिप्रोकल पे आ जाओ। किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी नंबर का हमें अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो जैसे आपका 1/3 दिया हुआ है
और मुझे इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 3/1। देखो रेसिप्रोकल और नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो तो 1 आना चाहिए। अब आप चेक करो क्या मैं इसको कट करके 1 आता है, तो आपका आंसर राइट है। तो हाउ टू फाइंड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इन दिस केस फर्स्ट वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मैम इसी का रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि बच्चे इसी नंबर को हम इससे ही डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसी का रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो डोंट कन्फ्यूज बिटवीन कि हाँ इस किसका रेसिप्रोकल लेना है, कहीं इसका भी रेसिप्रोकल ले लो और इसका भी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें इसको डिवीजन से किस में चेंज करना है, मल्टीप्लीकेशन में। इफ़ यू चेंज इनटू मल्टीप्लीकेशन, आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर एंड व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 13/5, ये होगा आपका 5/13। नाउ मल्टीप्लाई बाय सेम रूल, 5 को 3 से करोगे 15 एंड 13 को 2 से करोगे 26। तो दीज आर द इजी टॉपिक, आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन रिविजन यू कैन ईजिली सोल्व। नाउ कम टू द स्टेटमेंट्स, हम मोस्टली बच्चों को स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम आती हैं बट दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी इजी। आई विल टेक फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट ए टू व्हीलर्स कवर ए डिस्टेंस ऑफ 53.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, अगर आपसे वन का पूछा जाता है, वन क्वांटिटी पूछी जाती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये रूल हमें आज से नहीं फिफ्थ क्लास से आपको बताते हुए आ रहे हैं। अगर वन क्वांटिटी पूछी जाती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड। आपको वन गिवन है, अनदर क्वांटिटी पूछी जाती है, वन गिवन है, तो हम वहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपको टोटल टुगेदर और फाइंड करना हो, टोटल लेफ्ट, टोटल में आप प्लस करते हो, लेफ्ट में आप माइनस करते हो, कितना बचा, कितना बचे में हम माइनस करेंगे, टोटल कितना टोटल हुआ तो आप प्लस करोगे। तो सिंपल से मेथड है, अगर आप स्टेटमेंट को पूरा कवर करके पढ़ते हो तो कभी मिस्टेक्स नहीं होती। तो फर्स्ट वी रीड द स्टेटमेंट, ए टू व्हीलर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 53.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। देखो 1 लीटर का आपको गिवन है पेट्रोल, क्या है एक कार टू व्हीलर का कवर, टू व्हीलर्स होते हैं जैसे आपकी बाइक हो गई, बाइक कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल में 53.3 किलोमीटर। नाउ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर। सिंपल सी चीज़ है, 1 का गिवन है और 10 का पूछा है, तो यहाँ आपको सोचना ही नहीं, जस्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब आप क्या लिखोगे, हाउ टू राइट द स्टेटमेंट, टू व्हीलर कवर डिस्टेंस इन 1 किलोमीटर। तो आप डायरेक्टली लिख दो टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कवर करता है 53.3 किलोमीटर। अब देखो बच्चे 1 लीटर का गिवन है, टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस इन 10 लीटर। तो सिंपल सी बात है, हम इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 53.3 × 10। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन का चैप्टर है तो हम डेसिमल को मल्टीप्लाई ना करके हम इसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो हाउ टू चेंज इनटू फ्रैक्शन, अगर आप पॉइंट हटाते हो तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका, 10। अब ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो, अगर हम एक के बाद पॉइंट होता है किसी भी नंबर में, देखो 4, 1, ये 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 100। अगर यहाँ पे 0 फिर पॉइंट होता, 3 के बाद पॉइंट होता, तो नीचे अगर हमने पॉइंट हटाया है तो क्या आ जाएगा, 1000। सम स्टूडेंट लीव द पॉइंट बट दे राइट हेयर 1000, बट सम स्टूडेंट राइट द पॉइंट हेयर एंड दे राइट 1000 इन द डिनोमिनेटर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इफ यू लीव द डेसिमल देन राइट 1000, डोंट राइट कि पॉइंट भी है और नीचे 1000 भी है। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट, हम पॉइंट हटाते हैं देन हम डिवाइड करेंगे उतने ही नंबर से जितने के बाद क्या है, पॉइंट है। तो बहुत ही सिंपल है, चेंज करना डेसिमल को फ्रैक्शन में, कि एक के बाद पॉइंट है तो 10 लगा दो और 2 के बाद पॉइंट है तो 100 लगा दो और 3 के बाद पॉइंट है तो 1000 लगा दो। तो अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने पहले ही कहा था जो रिड्यूस हो रहा है यही रिड्यूस कर दो, बाद में मल्टीप्लाई करोगे देन रिड्यूस करोगे। तो 10 से 10 कट गया, तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, 533 एंड नीचे क्या है, 1, डोंट राइट 1। तो 10 किलोमीटर में कितना कवर करेगा, 10 लीटर में कितना कवर करेगा, 533 किलोमीटर।
तो आपसे पूछा था 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा, तो 533 किलोमीटर। जिन बच्चों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई, तो इससे इसी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब एक क्वेश्चन उल्टा लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। अब देखो 89.1 किलोमीटर 2.2 आवर्स दे रखा, व्हाट डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 आवर। अब सेम प्रोसेस आपका आ गया 1 आवर। अगर आपसे वन क्वांटिटी पूछी जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो अब देखो डिवाइड करना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने उस क्वेश्चन को समझा है कि नहीं। तो स्टेटमेंट में क्या गिवन था आपको, डिस्टेंस गिवन था कितना 2.2 आवर्स में कितना कवर करता है, और आपसे पूछा कितना है कि 1 आवर कितना कवर करना है। तो 1 आवर में कितना कवर करना है उसके लिए फाइंड करने के लिए देखो 1 का फाइंड करना है, तो वहाँ पे जो आपको सिंपल है कि हमें डिवाइड करना है। बट हाउ टू राइट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कैसे राइट करनी है, देखो गिवन है कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। तो आप क्या लिखोगे, कार कवर कवर्स डिस्टेंस इन 2.2 आवर्स। कितना कवर करती है डिस्टेंस, 89.1 किलोमीटर। अब आपको 1 का फाइंड करना है, तो कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। तो बच्चे 1 आवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 89.1 को डिवाइड करना है किससे, 89.1 को किससे डिवाइड करना है आपको, 2.2 से। यहाँ भी प्रॉब्लम है, बच्चे उल्टा लिखते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि 10 को डिवाइड करना है 2 से, दे राइट 2 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज रॉन्ग। तो आप बच्चे किसको किससे डिवाइड करना है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप डिवाइड करते हो तो वो चीज़ पीछे आनी चाहिए। 89.1 को डिवाइड करना है 2 से, और इसको बच्चे चेंज इन टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 891 बाय, देखो एक के बाद पॉइंट है तो 10 आ जाएगा, और ये 2.2 गिवन है तो ये 22 बाय 10 आ जाएगा। वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। नाउ व्हाट विल कम, 891 बाय 10 मल्टीप्लाई 10 बाय 22। तो इसमें 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, 891 डिवाइडेड बाय 22। आप इसको डिवाइड करो, 22 से डिवाइड करोगे 88 आ जाएगा, 1 आपने 1 लिया। अब ये जा नहीं रहा तो देन टेक पॉइंट, गिव 0, एक 0 और ले लो, और ये 5 जा पे चला जाएगा, तो 40.5 किलोमीटर। देखो 1 लीटर में, एक 1 आवर में कितना कवर करता है ये, 40.5 किलोमीटर। आपको गिवन कितना था 2.2 आवर्स का, 89.1 किलोमीटर, और आपने निकाला कितने का है, 1 आवर का। नाउ दीज आर द स्टेटमेंट सम, यू कैन इजीली फाइंड हाउ, वेयर वी विल फाइंड द एडिशन, वेयर विल फाइंड द सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कन्फ्यूजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, मोस्टली बच्चों को किस में होता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। सो आई विल गिव 2 क्वेश्चन for revision only, so you will revise chapter 2 properly with the help of the given video, and now in the next video we will revise chapter 3. Have a good day.